हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम बहुत ही अमेजिंग टॉय बनाने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना। आपने इस तरह का कार्डबोर्ड का एक पीस ले लेना है और इस तरह से कुछ इसके ऊपर एक पिस्टल की शेप ड्रॉ कर लेनी है। तो चलें इसे कट कर लेते हैं। कट करने के बाद ये पिस्टल आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। अब आपने एक सिंपली इस तरह का एक पेपर ले लेना है और पेन की मदद से कुछ इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। तो चलें जल्दी से इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब इसको ग्लू की मदद से चिपका देंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से चिपक चुका है। चिपकने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब सिंपली इस रोल को इस जगह पे कुछ इस तरह से चिपका देंगे। इसको चिपकाने के लिए मैं ग्लू का यूज कर रहा हूँ और ये हमारा अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो चुका है। इसको और अच्छे से मजबूत करने के लिए मैं यहाँ पे टेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बस हमारा बहुत ही अमेजिंग और सिंपल टॉय रेडी होने वाला है। इस टॉय को कम्प्लीट करने के लिए मैंने एक और पेपर लिया और इसे कुछ इस तरह से रोल कर देते हैं और अब इसको इसमें से गुजार देते हैं और यहाँ पे मैं एक मार्क लगा दूंगा और एक मार्क यहाँ पे भी, जैसा कि मैंने यहाँ पे दो मार्क लगा दी हैं। अब इसको इस मार्क से कुछ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसको फोल्ड कर दी है। अब इसको यहाँ पे अच्छे से टेप कर देंगे। आपने एक और पेपर का रोल ले लेना है और कुछ इस तरह से यहाँ पे रख के इसको मार्क लगा देना है और इसको ग्लू की मदद से कुछ इस तरह से चिपका देते हैं। आपने इसके इस वाले पार्ट को इसमें से गुजार देना है और इसको कुछ इस तरह से यहाँ से कट कर लेना है और आपने एक रबर ले लेनी है और इसे कुछ इस तरह से गुजार देना है। तो हमारा टॉय रेडी हो चुका है। चलें इसे टेस्ट करते हैं, देखते हैं ये काम भी करता है या नहीं। तो इसकी बुलेट्स बनाने के लिए आपने छोटे छोटे पेपर के पीस ले लेने हैं और कुछ इस तरह से इनकी बुलेट्स बना लेनी है। तो आप देख सकते हैं हमारा टॉय बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आई होप आपको ये सिंपल सा टॉय बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक बाय।